कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग, राहुल और प्रियंका लड़े चुनाव, सूत्रों के अनुसार एक दो दिन में हो सकता है इसका ऐलान। चार उम्मीदवारों की कांग्रेस की एक और लिस्ट जारी, गुरुग्राम से राज बब्बर और हिमाचल के कांगड़ा से आनंद शर्मा को टिकट, हमीरपुर से सतपाल रायज्यादा को मौका। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पार्टी उम्मीदवार और खुद को बताया शिव का कि राम से कर लेंगे मुकाबला। फेक वीडियो को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा संविधान बदलने और आरक्षण छीनने का झूठ फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से आज पूछताछ होनी है, दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। अमित शाह फेक वीडियो केस में अहमदाबाद की पुलिस का बड़ा एक्शन, कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी का पीए गिरफ्तार, 9 राज्यों में मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भटकती आत्मा वाले तंज पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का पलटवार, बोले मेरी आत्मा किसानों के लिए बेचैन होगी ही। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का विवादित बयान, कहा कि बीजेपी की उम्मीदवार ने मस्जिद की तरफ दिखाया तीर, क्या कुछ हो जाने के बाद ही उठोगे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में इस पूरे मामले में जेडीएस की बड़ी कार्रवाई हुई है, एसआईटी जांच तक सांसद प्रज्वल रेवन्ना निलंबित, राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस से जवाब मांगा है। सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान के खिलाफ केस दर्ज, बीजेपी के खिलाफ की थी वोट जिहाद करने की अपील, बीजेपी का पलटवार, कहा चलेगा विकास का संकल्प। बंगाल में ममता बनर्जी पर बरसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बोले बंगाल में रामनवमी जुलूस पर प्रतिबंध, बंगाल में बिछाइए यूपी मॉडल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सीएम योगी की रैली से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर कथित तौर पर हमला हुआ, हमले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोट करने का आरोप लगा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर बदली चुनाव की तारीख, 25 मई को वोटिंग होगी, खराब मौसम के चलते तारीखों में बदलाव की जानकारी आई। आर्टिकल 370 को खत्म किए जाने की वैधता पर दायर की गई याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, संवैधानिक पीठ सरकार के फैसले को ठहरा चुकी सही। संपत्ति बंटवारा विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहने वाली है सुनवाई, सवाल किसी की निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। आज अयोध्या जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रामलला के करेंगी दर्शन, सरयू पूजन और हनुमान आरती में शामिल होंगी। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए अपनी जान देने वालों को उद्धव ठाकरे ने दी श्रद्धांजलि, मुंबई के हुतात्मा चौक पर आदित्य ठाकरे के साथ नमन किया गया। पंचम गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व पर सजा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, एसजीपीसी ने की शानदार आतिशबाजी। आज से सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, 19 रुपए कम हो गए दाम, हवाई ईंधन महंगा हुआ, घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। बिहार के सुपौल से खबर, आग ने जमकर तांडव मचाया, करीब 200 घर इसकी जद में आए, लाखों की संपत्ति जलकर खाक, लोग बेघर हो गए हैं। अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में गोलीबारी, फायरिंग में मारे गए 4 पुलिस अधिकारी, जवाबी कार्रवाई में आरोपी हमलावर ढेर हो गया है। युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर उत्तरी गाजा में गिराई गई हवाई सहायता, हजारों लोगों के लिए अनाज की सप्लाई कम हुई है। पाकिस्तान में दावत वलीमा की निगरानी कर रही सरकार, एक डिश से ज्यादा बनाने पर रोक लग गई, नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का ऐलान हुआ। आईपीएल में आज चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच में खेला जाएगा मुकाबला, चिप स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुकाबले की शुरुआत, पंजाब की प्लेइंग 11 में बदलाव संभव है। आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट्स से मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया, अंक तालिका में टॉप 3 में आई है टीम, मार्कस टोनियस बने प्लेयर ऑफ द मैच। जी